नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ माधुरी कलाल। और फेस टू फेस के इस खास कार्यक्रम में आज हमारे साथ ग्रामीण विकास राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति जी हैं। साध्वी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका मंत्रालय बेहद खास है क्योंकि जो सरकार है वो सबका साथ सबका विकास और अब सबका विश्वास के साथ आई है। साध्वी जी, गाँव को आपने बहुत करीब से देखा है, अब आपके पास इस मंत्रालय की जिम्मेदारी भी है, कैसे देखते हैं आप, कैसे उसके विकास और तरक्की के लिए आपका डिपार्टमेंट काम कर रहा है? मुझे लग रहा है कि आपके चैनल के माध्यम से समाज को प्रेरणा मिले और जो गांव में रहते हैं लोग उनका मनोबल ऊंचा हो। उसी दृष्टि से मुझे लग रहा है कि जिस मंत्रालय में मुझे माननीय प्रधानमंत्री जी ने सेवा का दायित्व दिया है और आपने एक नारा बोला सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, और उसमें एक शब्द मैं और जोड़ना चाहती हूँ, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका सम्मान। क्योंकि मेरे पास माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बार विश्वास जताते हुए ग्रामीण विकास मंत्रालय दिया। ग्रामीण विकास मंत्रालय एक ऐसा मंत्रालय है जो आम जनता से जुड़ा हुआ है, आम नागरिकों से जुड़ा हुआ है, आम गृहिणी से जुड़ा हुआ है, आम व्यक्ति से जुड़ा हुआ है। क्योंकि ग्रामीण विकास मंत्रालय और ग्रामीण परिवेश में जीना, मैं समझती हूँ कि मैंने उसको जिया है, देखा नहीं है, इसीलिए देखना अलग होता है और उन परिस्थितियों से गुजरना, और जब आदमी गुजरता है तो उन पीड़ाओं को समझता है। और मुझे लग रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने मेरे एक जिसको मैंने झेला है या जिसको कहूँ जिया है उस मंत्रालय में मुझे दिया है और मुझे काम करने में भी आनंद आ रहा है। आपको मैं घटना बता रही हूँ कि राजनीतिक नहीं है ना, मैं किसी को आरोप लगा रही हूँ। मैं साधु बन गई थी उस सन 81 में निकली थी, 82-83 में इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी। हमीरपुर का जिला एक पड़ता है, उसका तहसील है सुमेरपुर। हम कहीं से आ रहे थे तो हमने सुना कि इंदिरा गांधी जी आ रही हैं, तो हमने कहा इनको सुने, इतना तो कोई ज़्यादा हुआ नहीं तब 14 साल की आयु में, 14-15 साल के आयु में कोई इतना, आज के ज़माने में तो बच्चे बहुत दिमाग वाले, हम लोगों का इतना दिमाग भी तेज नहीं था। हमने कहा सुने, इंदिरा गांधी जी की स्पीच हमने वहाँ पहली बार सुनी थी और खड़े खड़े रोड में, और पहला स्पीच था कि हम गरीबी दूर करेंगे। यानी ये शब्द जब मैंने सुना तो मुझे लगा मैं तो सन्यासी हो गई हूँ, मेरे पिता की और मेरी माँ की गरीबी दूर हो जाएगी। वो विश्वास कर लिया, मैंने विश्वास कर लिया। लेकिन उसके बाद फिर दुर्घटना, बस इंदिरा जी उनका स्वर्गवास हो गया, राजीव गांधी आए, वो उन्होंने भाषण यही दिया। फिर थोड़ी थोड़ी हम जब इधर समाज में काम करने लगे, यानी ये शब्द सुनते सुनते गरीबी दूर करेंगे, गरीबी दूर करेंगे, और मुझे लगा कि हमने जो अनुभव किया गरीबी तो दूर नहीं हुई लेकिन गरीबों के नाम से समाज का शोषण जरूर हुआ। लेकिन आज मैं गर्व से कह सकती हूँ कि उस मंत्रालय में मैं देख रही हूँ, माननीय भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जब 2014 में शपथ ली, क्योंकि वो भी उसी परिस्थिति से गुजर के आए थे, जब आदमी गुजर के आता है तब उस पर चिंतन करता है और उसको लगता है कि वो परिस्थिति जो हमने झेली है वो कोई और ना देखे, वो और ना देखें। मैं बधाई देना चाहती हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी को, शपथ लेते ही उन्होंने संकल्प लिया। और एक घटना और आपको बता दूँ, इतनी बरसात अब नहीं होती जितनी बरसात पहले होती थी, लगातार 4 महीने बरसात, और मेरा गांव बाज़ार से 9-10 किलोमीटर दूर था। 4 महीने हम लोग बाज़ार, मैं तो बाज़ार कभी गई नहीं हूँ, मेरे पिताजी जाते थे, नहीं जानते थे कि बाज़ार कैसी होती है, कोई नहीं निकल सकता था। मेरी माँ जो लकड़ी होती थी चूल्हा जला के फिर दूसरे दिन के लिए उसी गर्म चूल्हे के ऊपर लकड़ी रख देती थी। तो मैं आज अनुभव कर रही हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो सोचा है वह बात बिल्कुल सही है कि बरसात के सीजन में गांव की महिलाओं को रोटी बनाना बहुत मुश्किल होता है। बरसात हो रही है, बाहर चूल्हा लगा, बाहर चूल्हा नहीं जल सकता। और दूसरी समस्या, गर्मियों के सीजन में महिलाएं लकड़ी काटने जंगल जंगल जाती हैं। अब वो पहले का ज़माना चला गया, आज पता नहीं जंगल में कौन आदमी किस महिला के साथ दुष्कर्म करे, पकड़े छेड़े, आज वो ज़माना भी। मैं बधाई देना चाहती हूँ प्रधानमंत्री जी को, ऐसी महिलाओं की पीड़ा समझी और सरकार बनने के बाद उन्होंने संकल्प लिया उज्ज्वला योजना कि गरीब महिलाओं के घर में
हम गैस चूल्हा देंगे। ये होता है गरीबी दूर करने का पैमाना। जो हम नारा सुनते थे वो 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको शुरू किया, उसके पहले स्वर्गीय माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अंत्योदय कार्ड चला करके गरीबों की पीड़ा को सुना था। यही आपकी इसी बात से शुरू करूंगी, क्योंकि अब हम विकासशील से विकसित होने की तरफ बढ़ रहे हैं। अब हमारे पास, हमें अपग्रेड होना पड़ेगा। हम गाँव को स्मार्ट गाँव बनाने की बात करते हैं, आपका डिपार्टमेंट उस पर काम कर रहा है। कई सारी योजनाओं का आपने जिक्र किया, उज्ज्वला योजना हो गया, सबको सबके सर पर छत हो, इसकी बात आपने की, शौचालय की बात आपने की, और आपकी सरकार जैसे रिपोर्ट्स निकालती रहती हैं, आप लोग कहते हैं कि हमने उस पर कई काम किए हैं। लेकिन कई बार आपने संघ के लोगों को कहते सुना होगा कि पढ़ाई, कमाई और दवाई अगर मिल गई तो गांव की सूरत बदल जाएगी। पढ़ाई, कमाई और दवाई, ये तीनों ही बड़ी चुनौतियां हैं आपके डिपार्टमेंट के सामने। देखिए, ये बात सही है कि आपने पढ़ाई, कमाई, दवाई और कमाई तीन सूत्र हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने दवाई के क्षेत्र में बहुत बड़ी क्रांतिकारी एक कदम उठाया है, जिसको हम आयुष्मान भारत कह सकते हैं। अभी मैं ये नहीं कहती कि सबको कार्ड बन गए हैं, लेकिन मैंने अपने क्षेत्र में देखा, अभी जब से लागू हुआ तब से कम हजारों लोगों ने उस पर लाभ लिया है। तो ये दवाई का काम हुआ। पढ़ाई का, शिक्षा का स्तर मैं अपने यूपी का बता रहे हैं। यूपी में विद्यालयों में बैठते थे बच्चे तो बैठने का मन नहीं करता था। आज आप यूपी में जाएंगे तो विद्यालयों के स्तर बदला है, टाइल्स लगे हैं, बढ़िया बाथरूम बन गया, अच्छी सुंदर पुताई हो गई, बाउंड्री हो गई। और एक मेरा आपके माध्यम से शिक्षा का स्तर ठीक करने के लिए, एज ए मंत्री नहीं, कोई नेता के रूप नहीं, एक संत के नाते मुझे लग रहा है कि शिक्षा में सुधार बहुत जल्दी हो सकता है यदि प्राइमरी स्कूल में अधिकारी हों, नेता हों, सबके बच्चे पढ़ने लगें तो शिक्षा में सुधार अपने आप आ जाए। आजकल राजनीति के मुद्दे भी बहुत अलग अलग तरह से आते हैं। हालिया जो घटनाएं मैं देखूं, हाल फिलहाल में एक पूरा गैंग है जो पत्र लिखता है प्रधानमंत्री जी को, और वो मॉब लिंचिंग के खिलाफ लिखता है। वो लिखते हैं कि जय श्री राम के नारे जो है वो उकसाते हैं, वो मॉब लिंचिंग के कारण बन जाते हैं। क्यों ये परसेप्शन सरकार के प्रति बदल नहीं पा रहा कि आप अल्पसंख्यकों के हित में काम नहीं? देखिए, जय श्री राम नारा नहीं, आस्था है। और मैं तो समझती हूँ कि जय श्री राम लिखने से समुद्र में पत्थर भी तैरने लगे तो राम जय श्री राम तो ये विश्वास है, ये कोई विघटन के लिए नहीं है। राम तो जोड़ने का काम करते हैं। और मैं समझती हूँ कि जो इस तरह का एक माहौल बनाया जा रहा है, शायद यही माहौल 84 में बनाते तो उन सिखों का कम से कम सम्मान मिलता। विधवा जो महिलाएं बैठी हैं, इतने दिन तक ये गैंग कहाँ था जो 84 में सिखों का दंगा कत्लेआम हुआ? ये गैंग तब कहाँ था जब कश्मीर से हिंदू निकाला गया था? क्या उनके लिए चिंता नहीं करनी चाहिए? उनके लिए लड़ाई नहीं लड़नी? हम घटना को अच्छा नहीं मानते हैं, वो हिंदू के साथ हो, मुसलमान के साथ हो, घटना कोई भी अच्छी नहीं होती है। देश का नागरिक मारा जाता है, वो हिंदू मुसलमान करके नहीं मारा जाता, वो देश का एक इंसान मरता है। लेकिन जो इस तरह का गैंग जो 2014 के बाद भी आपने देखा होगा कि अचानक से उठाना शुरू कर दिया था, अरे मैं पूछना चाहती हूँ इनसे कि पश्चिम बंगाल में निहत्थे लोगों को मारा जा रहा है, कितना हत्याएं हुई, उस विषय पर किसी ने नहीं चिंता की? उस विषय पर किसी ने आवाज नहीं लौटाया? उस विषय पर किसी ने माननीय प्रधानमंत्री जी को लेटर नहीं लिखा कि पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है उसको रोकिए? जम्मू कश्मीर में सेना के ऊपर पत्थरबाजी होती रही तब किसी ने आवाज नहीं लौटाया? उस पर भी तो चिंतन होना चाहिए कि पत्थरबाज कौन है। मैं बधाई देना चाहती हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी को, भारत के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी को कि पत्थरबाज बंद हो गए। बहुत कमी आई। क्यों? क्योंकि जो पत्थर फेंकने को उकसाते थे उन्हीं के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया। घटना एक हो उसके लिए लेटर लिखे अच्छी बात है, सुझाव देने अच्छी बात है, लेकिन एक गैंग बना करके सुनियोजित तरीके से जो सरकार दिशा में काम कर रही है उस दिशा से जनता का ध्यान भटकाने के लिए करना, ये उचित नहीं है।
सोनभद्र वाला मसला बहुत पुराना नहीं है, इस मसले पर प्रियंका गांधी जी आप पर आरोप लगाती रहीं कि आप लोगों ने उन्हें मिलने नहीं दिया, बहुत माहौल बना, 4 दिन तक वो मीडिया में छाया रहा, तो ऐसे आरोप क्यों लग रहे हैं आपके पार्टी पर विपक्ष की तरफ से कि आप उन्हें मिलने नहीं देना चाहते? क्या दिक्कत थी, मिलने देते? मैं आपके माध्यम से प्रियंका जी से सवाल करना चाहती हूँ। एक दिन पहले वो लेटर लिखती हैं कि मेरी सिक्योरिटी कम कर दी जाए। अरे भाई, लेटर लिखने की क्या ज़रूरत है, आप लौटा दो कि मुझे नहीं चाहिए। अब मैं आपको अपना उदाहरण बता रही हूँ। जब मैं मंत्री बनी तो मेरे यहाँ के लिए 5 पुलिस वाले उत्तर प्रदेश से अलॉट हुए। जब मैं जाती थी तो जिले से जाते थे। मैंने कहा कप्तान से, मैंने कहा आपके यहाँ फोर्स कम हो तो आप वापस बुला लीजिए, मुझे ज़रूरत नहीं है। ये कहना होता है ना, आप क्यों लिख रही हैं कि मुझे सिक्योरिटी ना दी जाए। अरे, सरकार की जिम्मेदारी आपको मिली है तो उसकी चिंता सरकार करेगी ना। ये एक राजनीतिक चुनाव के बाद, क्योंकि कांग्रेस बिल्कुल धरातल पर चली गई, उसकी जमीन की अवकाश पता चल गई, तो प्रियंका गांधी को लगा कि कुछ ना कुछ। हाँ, दुर्घटना अच्छी नहीं हुई और वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुलासा भी कर दिया कि किस तरीके से हुआ, और पकड़े भी गए, गिरफ्तार भी हुए। जहाँ भी कोई दुर्घटना होती है, मैं समझती हूँ कि उत्तर प्रदेश की सरकार बहुत अच्छी तरह काम कर रही है, और घटना करने वालों, अंजाम देने वालों को तत्काल उनको गिरफ्तार भी किया गया। यूपी में खासकर आप कई लोगों से मिलती हैं, हालिया में आप संविदा कर्मचारियों से, कुछ नर्सों से मिली, वहाँ के संविदा कर्मियों में गुस्सा है रोजगार को लेकर। और क्योंकि आप बहुत बड़ा मंत्रालय, ग्रामीण विकास एक ऐसा मंत्रालय है, क्योंकि भारत गाँव में बसता है, भारत की आत्मा वहाँ बसती है, उनके रोजगार के लिए आपकी योजना क्या है, आपकी सरकार की योजना? देखिए, हमारी सरकार की योजना पहली बार से तो आपने देखा होगा कौशल विकास मंत्रालय बना, और आप शायद मेरे ट्विटर या फेसबुक से जुड़ी होंगी। मेरे क्षेत्र में एक जो सेंट्रल चल रहा है उसका, कौशल विकास का, उसमें 400 बच्चे विद्युत विभाग में ट्रेनिंग ली और उनको दिया, और उसके बाद वो लग गए, और 30 बच्चियां दूसरे उसमें ट्रेनिंग ली टेक्सटाइल में, और वो मेरे से, उनको मैंने रवाना किया, और आज हिमाचल में जा कर के ट्रेनिंग ले रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि बेरोजगार के लिए रोजगार दिया नहीं जा सकता, इसीलिए सरकार है। सरकार, हर व्यक्ति को सरकारी सर्विस नहीं दी जा सकती, लेकिन हर व्यक्ति के अंदर हुनर है, उसके हुनर को कौशल करके उसको कहीं ना कहीं लगाया जा सकता है। तो हमारी सरकार उस दिशा पर काम कर रही है। शायद ये आज़ादी के बाद से इस तरह से काम किया गया होता तो हर व्यक्ति के हाथ में रोजगार होता। आप कभी कभी गुस्सा हो जाते हैं। एक आपका नुक्कड़ सभा का कोई वीडियो देखा था जिसमें आपने कहा कि देखिए, मैं मतलब अफसरों से आपने कहा कि कामकाज और कार्यशैली जो है वो आप सुधार लें, नहीं तो मैं वो साध्वी निरंजन ज्योति नहीं हूँ। देखिए, दो बातें हैं। कैसी नाराजगी आपको हो जाती? जनता के लिए नर्म हूँ, लेकिन जनता के लिए काम नहीं होंगे तो मैं उस बुंदेलखंड की हूँ जहाँ की झांसी वाली रानी है। अच्छा, मोदी कार्यकाल के इस दूसरे कार्यकाल में, मोदी सरकार के इस दूसरे कार्यकाल में, खासकर आपके डिपार्टमेंट से, आप खुद केंद्र सरकार से क्या क्या उम्मीदें रख रही हैं? क्योंकि आपको डिपार्टमेंट इस बार आपका थोड़ा बदला है, आप खास उस डिपार्टमेंट से हैं जहां आप कहती हैं कि मैंने उसे जिया है, क्या कुछ योजनाओं पर आप काम करना चाहती हैं? अब देखिए, जो आपने सवाल किया ना, इसी मुद्दे को लेकर के मैंने बातचीत की। जिसका लाभार्थी, उसको लाभ मिलना चाहिए, चाहे शौचालय का हो, चाहे आवास का हो, चाहे गैस सिलेंडर का हो, जो जिसका जो अधिकारी है। और दूसरा, ये बात सही है कि आपने जो मेरे विषय पर बोला, मैं संत हूँ, संत हृदय नवनीत समान है, संत कोमल होता है स्वभाव ही में, कभी कभी किसी ऊपर गुस्सा नहीं। इसीलिए मैं चाहती थी कि आप बताएं कि क्या कार्यशैली बदल जाएगी। कार्यशैली बदलने की आवश्यकता है अधिकारियों को, वो समाजवादी पार्टी की सरकार के समय का नहीं है। योगी जी उत्तर प्रदेश में है और मोदी जी केंद्र में हैं। काम चाहिए हमें किसी अधिकारी से नाराजगी नहीं है, लेकिन यदि कार्यकर्ता के हित में काम नहीं होगा तो नाराजगी फिर होगी हमारी। आपने अभी कहा मैं बुंदेलखंड की हूँ, हमीरपुर से ताल्लुक़ रखती हैं, खासकर बुंदेलखंड में पानी की समस्या पर बहुत जोर दिया गया, चाहे वो संरक्षण करके तालाब बना के हो। गर्मी का अभी बहुत भयंकर वहाँ प्रचंड मौका था, और उसमें जो तरीके, तौर तरीके अपनाए गए वो काफ़ी कारगर भी साबित हुए, उसको किस तौर पर देखते हैं पानी को बचाने को? देखिए, हमारी सरकार जब से बनी, आपने देखा होगा महोबा के अंदर बहुत बड़े बड़े तालाब थे, बिल्कुल सूख गए थे। आज उन तालाबों में पूरा पानी भरा हुआ है। तालाब में पानी रहेगा
तो जल स्तर अपने आप ऊपर आएगा। हैंडपम्प हम कितने भी लगा दें, यदि जल संरक्षण की व्यवस्था नहीं करेंगे तो हैंडपम्प बोर होगा, फिर वो ख़राब हो जाएगा। हमारे सरकार ने मंत्रालय अलग बना दिया, जल संरक्षण जल शक्ति मंत्रालय ही बना दिया, जिसमें हमारे मंत्रालय से भी संबंधित है मनरेगा के तहत जल संरक्षण के लिए काम करना। क्योंकि मैं बुंदेलखंड से जन्मी हूँ, बुंदेलखंड में, और 14 साल तक वहाँ जन्म गांव में रही हूँ, और उसके बाद में वहाँ से हमीरपुर से चुनाव भी लड़ी हूँ, काम भी किया है। आपने देखा होगा कि हमारे माननीय भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक सपना था नदियों को जोड़ने का। बिल्कुल, केन और बेतवा में जोड़ने का काम वहाँ शुरू हो गया है, और मैं समझती हूँ कि जिस दिन वो दोनों का जुड़ जाएगा तो जो बुंदेलखंड में बांध है, चाहे अर्जुन बांध हो, मऊदाह डैम हो, ये जितने बांध हैं, जब वो जुड़ जाएंगे, जब बाढ़ का सीजन होगा तो पूरे उससे भर जाएंगे, फिर उसमें 12 महीना पानी रहेगा। तो मैं समझती हूँ कि जो माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की कल्पना थी, ये बात सही है कि कहीं सूखा है, कहीं बाढ़ है, और ये दी नदियों के जोड़ने का प्रोजेक्ट जिस तरह से हमारी सरकार का उद्देश्य चल रहा है, तो जिस दिन ये जुड़ जाएंगे तो जहाँ बाढ़ है, बाढ़ का पानी इधर आ जाएगा, उधर बराबर हो जाएगा। ये आवश्यक है, क्योंकि पानी को रोकना भी बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ कहते हैं जल ही जीवन है। जल का दोहन बहुत हुआ लेकिन उसके संरक्षण के लिए काम नहीं हुआ, काम नहीं हुआ जो हमारी सरकार। लेकिन बुंदेलखंड से पॉजिटिव खबर आई कि तालाबों में पानी का संरक्षण हो रहा है, वहाँ नए तालाबों को बनाने का काम चल रहा था, तो ये पॉजिटिव खबर। 2014 के बाद जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया, और उसके बाद जो तेज हुआ है काम 2017 से हुआ बुंदेलखंड में, जब से उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी ने शपथ ली। और मैं समझती हूँ कि आज बुंदेलखंड, जिस दिन डिफेंस कॉरिडोर निकल जाएगा, तो बुंदेलखंड एक अपने आप में अलग दिखाई पड़ेगा, क्योंकि बुंदेलखंड सबसे ज़्यादा राजस्व देता है गिट्टी के नाम से, मोरम के नाम से, जो खनिज है गिट्टी और मोरम सबसे ज़्यादा, चाहे मध्य प्रदेश का भाग हो चाहे उत्तर प्रदेश का भाग हो, दोनों में सबसे ज़्यादा ये दो खनिज पाए जाते हैं और होता भी है। और अच्छी क्वालिटी की मोरम यदि आपको कहीं मिलेगी तो केन और बेतवा मिलेगी। लेकिन उसके बावजूद भी बुंदेलखंड के लोग बहुत परेशान थे। ज़मीन की कमी नहीं है बुंदेलखंड में, और जिस दिन ये डिफेंस कॉरिडोर का काम शुरू हो जाएगा, ये मुझे लग रहा है कि वहाँ के लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। जब अच्छा रोड बनता है, काम शुरू होता है, तो लोग बहुत सारे लोग आते हैं। अभी मैंने बुलाया था हमीरपुर के DM है, अपने मंत्रालय में बैठ के बातचीत करी थी। हमने कहा क्यों ना हम जो महिलाओं का समूह है, महिलाओं के समूह को प्रोत्साहन दें, क्योंकि हमारे मंत्रालय से ही है। और जो हाईवे रोड है, बनाती हैं महिलाएं, पापड़ भी बनाती हैं, अचार भी बनाती हैं, बहुत सारा काम करती हैं, क्यों ना उन महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए हम हाईवे के किनारे, रोड के किनारे उनको दुकान रखने के लिए अलॉट कर दिया जाए, या कोई होटल खोले तो उन महिलाओं का सामान उसमें खरीदे। ये हम लोग अभी बातचीत कर रहे हैं, मतलब वो आपका एक अगला टारगेट रहेगा कि कैसे उनको रोजगार भी दिला पाए, देखा है सक्षम बना पाए। बहुत अच्छे समूह महिलाओं के काम कर रहे हैं। अभी मैं पिछले गई थी चित्रकूट, तो बांदा में एक समूह को 4-व्हीलर दिया, जो एक घर से महिला निकलना नहीं जानती थी, अब जब उनके समूह मिल गया, समूह अब तो निर्मला जी ने 1 लाख तक का महिलाओं का बजट में कर दिया है मुद्रा लोन, और ये समूह की महिलाएं बहुत अच्छी तरह काम कर सकती हैं इस पे। और मुझे लग रहा है कि महिलाओं के लिए ये बहुत लाभकारी होगा और कामगार भी होगा। नरेंद्र सिंह तोमर के साथ आपका कार्यकाल आगे बढ़ रहा है, कैसा अनुभव है मिलकर काम आगे बढ़ाना है? नरेंद्र सिंह तोमर जी क्योंकि संगठन के बड़े मंत्री हैं, और संगठन में उन्होंने काम किया है। 2012 में जब मैं विधायक हुई थी तब ये वहाँ प्रभारी भी थे, और बहुत अच्छे सज्जन व्यक्ति हैं, और मैं समझती हूँ कि काम करने की जो उनकी पद्धति है बहुत अच्छी है, सबको बहुत अच्छे प्यार से बात करना। और मैं समझती हूँ कि मैं तो एक सौभाग्यशाली हूँ, भारत के सबसे प्रधानमंत्री जी के मंत्रिमंडल में शामिल हूँ, और मुझ जैसे व्यक्ति को शामिल करके मुझे लग रहा है कि एक गांव में पैदा होने वाले बच्चे भी कम से कम ये प्रेरणा लेंगे कि हम भी यहाँ जा सकते हैं। साध्वी जी का रिश्ता अध्यात्म से हमेशा से रहा है, और मेरा ये अंतिम सवाल ही होगा, बहुत महत्वता है आपके जीवन में अध्यात्म की, और अध्यात्म
जो भारतीय संस्कृति है वो हमें, जो भारतीय दर्शन है वो सिखाता रहा है। और आप जिस समाज सेवा की बात करती हैं या जिस तरह का आपने अपने आप का जीव आपका जीवन आपने जिया है, वो अध्यात्म से दूर नहीं रहा, वो समाज सेवा से दूर नहीं रहा। बगैर अपनी चिंता किए बगैर राजनीति में आना और राजनीति में भी अध्यात्म को बरकरार रखते हुए समाज सेवा की तरफ बढ़ते रहना, कैसे देखती हैं आप इसको? कितना मुश्किल है, कितना आसान है? क्योंकि भारतीय दर्शन हमें यही सिखाता है। देखिए, भारतीय दर्शन हमें बहुत प्रेरणा देता है और मुझे लग रहा है कि एक काम करने की प्रेरणा भी अच्छी, एक ताकत भी मिलती है। मेरे पिताजी गरीब जरूर थे लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति थे, और मैं यूँ कहूँ कि संत ही थे, क्योंकि मेरे पैदा होने के पहले वो चले गए थे संत बनने के लिए। मेरे एक बड़े भाई थे तो मेरे जो दादा थे वो उनको ढूंढ डांट के लाए, उसके बाद मेरा जन्म हुआ। तो मैं ये कह सकती हूँ कि मेरे पिताजी के संस्कार मेरे जीवन में आए, और विवेक चूड़ामणि जो आदिगुरु आचार्य शंकराचार्य जी की लिखी हुई है, उस समय मेरे पिताजी पढ़ते थे, तब मेरे को समझ नहीं थी लेकिन मैं भी उसको पढ़ती थी। उसके बाद तो फिर मैं संत बनी, संत के बाद उपनिषद है, गीता है, भागवत है, रामायण है। वो जो आपने पहला सवाल किया था कि जय श्री राम कहने से लोगों के अंदर उत्तेजना पैदा होती है, और मैं समझती हूँ कि जिस दिन राम के जीवन को कोई पढ़ लेगा उस दिन वो व्यक्ति एक समाज में काम करने लायक बन जाएगा। राम जी का जीवन राज्य पाने पर खुशी नहीं, वनवास जाने पर दुखी नहीं, संतुलन बनाए रखें। आप देखिए ना, शाम को राज्याभिषेक की घोषणा होती है कि राम राजा बनेंगे, और सूर्य नहीं उदय होता और सूचना मिलती है कि वनवास जाना है। तो ये राम जी का जीवन हमें सिखाता है कि हर परिस्थिति में सम रहना, और समत्वम योग उच्यते, गीता का श्लोक भी यही बोलता है। तो अध्यात्म हमें एक विनम्र हो करके काम करना सिखाता, और मैं तो एक ही दुआ बोला करती हूँ, झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकर्णना तो मुर्दे की पहचान होती है। और आप इसी मन के साथ, इसी मंत्रा के साथ अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रही हैं। मैं तो एक संत के साथ काम कर रही हूँ। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं ये मानती हूँ कि आध्यात्मिक पुरुष हैं जिन्होंने एक तप करके अपने जीवन को तपाया है। और आपने देखा होगा कि सोना की पहचान होती है अग्नि में, तो जब कोई बोलता है तो मुझे लग रहा है कि सोना की परख हो रही है, और सोना की परख तो अग्नि में होती। मोदी जी परख तपाया गया, कितना झेला, क्या क्या आरोप लगाया गया, लेकिन इतनी तपस्या करने के बाद 2019 में उससे ज़्यादा सीटें लेकर के आ गए। चलिए साध्वी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप अपने इसी संतुलन को बनाकर रखें, इसी राजनीतिक और आध्यात्मिक जीवन को आप ऐसे ही जिए। और सबसे बड़ी बात, जो आपका खास लक्ष्य है ग्रामीण विकास के साथ बढ़ना और ग्रामीण इलाकों को विकास और सक्षम बनाने के लिए काम करना, उस पर आप डटी रहें। थैंक यू, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल फेस टू फेस में इतना ही। नमस्कार।